आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एमवीए में सीएम फेस को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। अब इसे लेकर संजय राउत का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाने में सबसे आगे रहे हैं। पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने गुरुवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की। खिलाड़ियों ने अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री से मिलकर अच्छा लगा। उन्होंने 17 अगस्त को रोहतक के एक प्रोग्राम में भी उन्हें निमंत्रण दिया। मुलाकात को लेकर मनु भाकर ने कहा कि ये मुलाकात अच्छी रही। उन्होंने कहा कि हरियाणा एक ऐसा राज्य है जो इतने सारे अच्छे एथलीट को जन्म देता है। ये खिलाड़ी देश के लिए पदक लेकर आते हैं। विधानसभा सत्र की लाइव कवरेज के दौरान सिर्फ सरकार और उनके नेताओं को दिखाए जाने के आरोप की कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा की याचिका पर हाईकोर्ट ने निपटारा कर दिया। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस अनिल खेत्रपाल की खंडपीठ ने बाजवा को कहा कि वो इस बाबत अपना मांग पत्र विधानसभा के स्पीकर को दे और स्पीकर उस पर उचित निर्णय ले। बाजवा ने सदस्यों के भाषणों की पक्षपातपूर्ण कवरेज का आरोप लगाते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। आप कार्यकर्ता अब घर घर पहुंचकर केजरीवाल की पांचों गारंटी को लेकर जाएंगे। इसके साथ ही वादों को पूरा करने का शपथ पत्र भी देंगे। हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने घरेलू श्रेणी के लिए मुफ्त बिजली मोहल्ला क्लिनिक खोलने और मुफ्त चिकित्सा उपलब्ध कराने, सरकारी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा देने का वादा किया है। आज विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर झारखंड के भगवान बिरसा मुंडा पार्क में आदिवासी महोत्सव का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, अपनी पत्नी कल्पना सोरेन संग शामिल हुए। इसके अलावा इस समारोह में झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार भी शामिल हुए। समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि आदिवासी समाज के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने और उनकी सहायता के लिए राज्य सरकार कटिबद्ध है। पेरिस ओलंपिक में भारत को रजत पदक दिलाने वाले स्टार भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा से आज प्रधानमंत्री मोदी ने बात की। उन्होंने दिग्गज खिलाड़ी को बधाई दी, उनकी चोट पर अपडेट लिया। इस दौरान पीएम ने नीरज की मां की खेल भावना को भी सराहा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने फोन कॉल के दौरान कहा, आपने देश को फिर से गौरवान्वित किया है। ईडी कोर्ट में पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। इस सुनवाई में आलमगीर आलम को अदालत से राहत नहीं मिली है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद ईडी कोर्ट ने आलमगीर आलम की जमानत याचिका खारिज कर दी। आपको बता दें कि आलमगीर आलम की ओर से उम्र और स्वास्थ्य का हवाला देते हुए जमानत देने की गुहार लगाई गई थी। बांग्लादेश के मौजूदा हालात को लेकर भारत सरकार सतर्क है। अब केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि सीमा पर नजर रखने की खातिर सरकार ने एक समिति का गठन किया है। सीमा सुरक्षा बल के पूर्वी कमान के एडीजी को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। बांग्लादेश सीमा पर सीमा सुरक्षा बल ने सतर्कता बढ़ा दी है। वक्फ अधिनियम संशोधन विधेयक के लिए संयुक्त संसदीय कमेटी का ऐलान कर दिया गया है। इसमें लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल होंगे। असदुद्दीन ओवैसी, निशिकांत दुबे, तेजस्वी सूर्या, जगदम्बिका पाल, इमरान मसूद, गौरव गोगोई को जगह मिली है। संयुक्त संसदीय समिति में कुल 31 सदस्य होंगे। कमेटी विधेयक की समीक्षा करेगी। आपको बता दें कि बीते गुरुवार केंद्र सरकार ने लोकसभा में विधेयक पेश किया था। ऑकलैंड में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि न्यूजीलैंड में भारतीय उच्चायोग वेलिंगटन में है। न्यूजीलैंड की आबादी में भारतीय मूल के लोग 6% हैं। देश की पहली यात्रा पर उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड के साथ भारत के संबंध गहरे और बहुआयामी हैं और भारतीय प्रवासियों ने न्यूजीलैंड के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।